सुप्रभात, मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से कक्षा सेकेंड को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ है एक और पाठ का नाम है चालाक गधा और है भाग एक। आपको मालूम है गधा कभी भी चालाक नहीं होता है, महामूर्ख होता है, महाबेकूफ है ना, उसको हम बेवकूफ़ कहते हैं। कोई भी अगर लड़का थोड़ा कमज़ोर होता है पढ़ने में तो हम क्या कहते हैं, गधे कहीं के, बेवकूफ़ कहीं के। तो गधे को तो हम बेवकूफ़ मानते हैं, किंतु इस कहानी में चालाक बताया गया है उसको। और वो चालाकियाँ भी बहुत करता है, किंतु ज़्यादा चालाकियाँ अच्छी नहीं होती हैं, उसको उसका सबक भी मिलता है। तो अब हम देखेंगे कहानी चालाक गधा। चालाक गधा कहानी देखते हैं। एक व्यापारी होता है ना। कहानी आपको मैं सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार कहानी है। एक व्यापारी होता है। व्यापारी मालूम आपको क्या होता है? जो व्यापार करता है। व्यापार कैसे किया जाता है? एक स्थान से कम दाम में सामान खरीदा जाता है और अधिक दाम में दूसरी जगह पर बेचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार। तो एक व्यापारी था, वह व्यापार करता था। किस पे करता था व्यापार? गधे पर सामान लादकर करता था। उसके पास एक गधा था, उस गधे का नाम गटरू था। उस गधे का क्या नाम था? गटरू। गटरू उस गधे का नाम था। वह जो भी व्यापार में जो सामान लाता था वो उस पर लाद कर ही लाता था और उस पर ही बेचा करता था। तो एक बार क्या हुआ कि नमक के दाम बहुत गिर गए। तो व्यापारी ने सोचा कि दाम तो बहुत गिर गए हैं और सभी व्यापारी पैसा रुपया ज़्यादा कमाने के लिए सोचते हैं, है ना। आपके पापा भी ज़्यादा से ज़्यादा रुपया कमाने की सोचते होंगे, सोचते हैं ना। उसी तरह व्यापारी ने भी बहुत सारा धन कमाने की बात सोची और उसने क्या किया, बहुत सारा नमक खरीद लिया। नमक की कीमत घट गई थी, इसलिए उसने, व्यापारी ने क्या किया बच्चों, आपके बहुत सारा नमक खरीद लिया और नमक आपके गटरू गधे पर लाद दिया। बहुत सारा नमक था और जैसे ही व्यापारी ने उस गधे पर नमक लादा, गधे ने क्या सोचा, आज तो मेरे पे बहुत सारा सामान लादा गया है। जैसे आपके बैग में बहुत सारी किताब कॉपी डाल दी जाए तो आप क्या करते हो कई बार कि मैडम बैग में बहुत वजन है, हम तो कुली बन गए। वैसे ही गधा भी परेशान हो गया और वो भी सोचने लगा कि अब तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा है। पर वो चलता रहा, व्यापारी आगे आगे और गधा पीछे पीछे चलता रहा। रास्ते में एक लकड़ी का पुल मिला। उस लकड़ी के पुल से पर जाते हुए उसका अचानक पैर फिसल गया और गधा गिर गया। देखो, आपको कहानी में चित्र दिखा रही हूँ। ये गधा देखो कितना चालाक बन रहा है, पर है बुद्धू, है ना। ये व्यापारी है, करने के लिए जा रहा है और रास्ते में देखो लकड़ी का पुल है और लकड़ी के पुल पर चलते चलते अचानक गधा गिर जाता है। कैसे गिर जाता है? पैर फिसलने के कारण गिर जाता है तो बहुत दुखी होता है, किंतु पूरी ताकत लगाकर उठता है। तो उसे आभास होता है, आभास मैंने महसूस होना कि अरे मेरे पे जो वजन था वो तो बहुत कम हो गया। बहुत खुश होता है। क्यों कम हो गया वजन? क्योंकि आपको मालूम है नमक जैसे ही पानी में घुलता है, आपके पानी में गिरता है, वो घुलने लग जाता है और वजन उसका कम हो जाता है। तो आपके बोरियां भरी हुई थी ना जो नमक की, वो नदी में गिर गई और नमक सारा नदी में घुल गया, तो उसमें वजन कहाँ रहा?
वो बहुत खुश हुआ, है ना। देखो कितना खुश हो जाएगा वो बाद में, अभी तो व्यापारी है, है ना, नदी में गिर गया है। उसके बाद उसने क्या किया, वह रोज़ इसी तरह नदी के पास जाता और जानबूझकर फिसल जाता। कितना चालाक है, देखो अपनी चालाकी दिखाता था और वह जानबूझकर रोज़ गिर जाता कि नमक है वापस पानी में घुल जाएगा और वजन कम हो जाएगा। किंतु व्यापारी भी उसकी चालाकी समझ गया। व्यापारी भी कम थोड़ी ना था, व्यापार करता था, है ना, वो धन कमाता था। उसको मालूम पड़ गया कि ये गधा है, बहुत चालाक हो गया है। उसने मन ही मन सोचा कि इसने मेरा बहुत नुकसान किया है, अब इसने मेरा नुकसान किया है तो मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए। और उसने क्या किया, नमक की जगह उसने रुई खरीदी। अब की बार उसने नमक की जगह क्या खरीदा, रुई। और रुई गधे की पीठ पर लाद दी। रुई कैसी होती है, हल्की। गधा बहुत खुश हुआ कि अरे इस बार तो मेरे पर वजन बहुत कम है, है ना, और पानी में घुल जाएगा तो और कम हो जाएगा। किंतु उसको ये नहीं मालूम था कि रुई तो पानी में भीग कर आपके क्या होती है, भारी हो जाती है। गटरू मन ही मन बहुत खुश हुआ कि अरे वाह, मैं तो पानी में फिर से, नदी में फिर से गिर जाऊंगा और नमक घुल जाएगा और हल्का, और हल्का हो जाएगा। किंतु अब की बार इस बात से वो अज्ञान था कि उसके पास तो रुई है और उसने जानबूझकर वैसा ही किया और वो नदी में गिर गया। अब की बार नमक की जगह रुई थी और रुई आपके पानी में, जैसे इसको पानी मिला, जैसे भीगी, वो और भारी हो गई, भारी हो गई। अब वो जैसे ही उठा तो उससे तो उठा ही नहीं गया, बेचारा परेशान कि ये क्या हो गया, मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरे पे वजन हो गया, अब चलूँ भी तो कैसे। और किसी तरह वो चलते चलते घर पहुँचा। अब उसकी ये बात तो समझ में आ गई थी कि ज़्यादा चालाकी नहीं दिखानी चाहिए, हमें ज़रूरत से ज़्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए। तो बच्चों आपको कहानी समझ में आ गई होगी, मज़ेदार लगी ना कहानी। तो आप भी गटरू गधे की तरह ज़्यादा चालाकी मत दिखाया करो। आपको यदि पढ़ने के लिए कहा जाए तो पढ़ा करो। आप झूठ में मम्मी को कहते हो हाँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, किंतु जब एक दिन मम्मी को पता चल जाएगा तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो आप भी ज़्यादा चालाकी मत किया करो, सभी काम जिम्मेदारी के साथ करने चाहिए। तो बच्चों आपने कहानी सुनी, कहानी बहुत मज़ेदार थी ना, आपको भी कहानी पढ़नी है, है ना, क्योंकि आपको देखो इस कहानी से संदेश मिलता है कि हमें जो भी काम करना चाहिए सोच समझकर करना चाहिए। यदि आप शुरू से ही पढ़ते रहते हो तो आपको बाद में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। वैसे ही गधा भी अगर शुरू से ही अपना काम जैसे मन लगा के कर रहा था वैसे ही करता रहता तो उसे क्या होता, रुई का बोझ नहीं उठाना पड़ता और ज़्यादा तकलीफ़ को नहीं सहना पड़ता, व्यापारी भी उसे अपना दोस्त समझता। तो बच्चों आपने देखा कि आपको भी शुरू से ही जैसे जैसे पढ़ाया जाए अपना पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए, नहीं तो अंत में क्या होगा कि आपके पास लिखने का पढ़ने का काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप लिखने और पढ़ने में तालमेल नहीं बैठा पाओगे। आप सोचोगे क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, है ना। तो देखो जब उसके पास नमक था तो उसको मालूम नहीं था, है ना, उसको वजन लग रहा था, और नदी में जब घुल गया तो उसको पता चल गया कि मैं उठाता हूँ, जब मैं वजन मेरे पास भारी था किंतु मैं नदी में गिरा तो हल्का हो गया, तो वो जानबूझ के करने लग गया। जैसे आपको एक बार अगर घर में रख लेते हैं ना, पेट दर्द करते हो, आपको घर में रख लेते हैं तो आप क्या करते हो, दूसरे दिन भी बहाना बनाते हो। किंतु यदि मम्मी समय रहते आपके बहानेबाजी पर ध्यान न देकर आपको स्कूल भेज देती हैं और आप भी
ध्यान देते हो पढ़ाई पर, तो आपको जो मंजिल आपको प्राप्त करनी होती है प्राप्त कर जाते हो। तो आपको हमेशा ही गधे की तरह चालाकी नहीं करनी चाहिए, आपको हमेशा ही अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और सोच समझकर काम करना चाहिए। आपको मालूम है नमक पानी में घुल जाता है, नमक पानी में घुल जाता है और रुई जब पानी के साथ होती है आप गीली हो जाती है तो भारी हो जाती है। तो बच्चों कहानी मज़ेदार थी ना, आप भी कहानी पढ़ना और दूसरों को भी सुनाना और कहानी से संदेश प्राप्त करना, ठीक है। और यदि कहानी समझ में नहीं आई हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना।